दैट इज द सेल्स बजट. ओके, प्रॉब्लम नंबर थर्ड से आपको कौन सा बजट आएगा? प्रोडक्शन बजट. ठीक है, प्रोडक्शन बजट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, राइट? ओके, यहाँ पर प्रोडक्शन बजट में फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट ऑफ ए डैश ऑफ एक्स वाई जेड सेल्स कॉरपोरेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 June 1987. ठीक है, प्रोडक्ट दे दिया, यूनिट्स दे दिया, एस्टिमेटेड ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, बस इतना है, सेल, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस करने के लिए नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मालूम करते हैं कि अगर इतना सेल करना है तो कितना प्रोड्यूस करें एक्चुअली अपन रियलिटी में. ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मेट रहेगा इसका, वो सिंपल फॉर्मेट ये रहेगा, प्रोडक्शन बजट में ऑलवेज नंबर ऑफ यूनिट मालूम करते हो. नंबर ऑफ यूनिट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट एस्टिमेटेड सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. ओके, तो दिस इज अ परफॉर्मा, ये परफॉर्मा रहेगा आपको. कंपटीशन ऑफ प्रोडक्शन बजट, ठीक है, कंपटीशन ऑफ प्रोडक्शन बजट. देयर इज थ्री ए बी सी, हमन ए बी सी थ्री प्रोडक्ट. ठीक है, एंड एस्टिमेटेड सेल कितना है? 15,170,000. क्लोजिंग स्टॉक 15,400,500,8,000. इसको मैंने ऐड कर दो 165, ओके 104,000 एंड 178,000. ओपनिंग ऑलवेज माइनस करते हैं, ओपनिंग ऑलवेज माइनस, क्लोजिंग ऑलवेज प्लस. ओपनिंग माइनस करो, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया यहाँ पर, यहाँ देखो ओपनिंग स्टॉक 14,500 और 8, तो टोटल में से ओपनिंग को माइनस करो, आपको टोटल कितना आ रहा, 151,99.70. तो टोटल ओवरऑल कितना आया, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, 3 लाख. एक्चुअल में रियलिटी में कितना प्रोड्यूस करें, 3,20,500 रियलिटी में प्रोड्यूस करें, सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस मालूम करते थे. ठीक है, प्रोडक्शन बजट में. क्वेश्चन नंबर फोर देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा प्रिपेयर ए प्रोडक्शन बजट फॉर द एबीसी कंपनी लिमिटेड. ओके, स्टॉक फॉर द बजट पीरियड ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है और एस्टिमेटेड सेल कितना करना है, इतना. ये नॉर्मल लॉस लास्ट में कैलकुलेट करना, फर्स्ट सेल्स लिख लो. प्रोडक्शन बजट ऑलवेज क्या रहेगा परफॉर्मेंस का, प्रोडक्शन बजट का कंपटीशन ऑफ प्रोडक्शन बजट. सेल्स में ए बी सी कितने दिया, ए बी सी. ठीक है, एस्टिमेटेड सेल कितना है, 60,50,000 and 80,000. ओके, तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना ऑलवेज, क्या ऐड करते, क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया यहाँ पर, 10,000, 8,000 and 14,000. टोटल करें इतना आंसर है, इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना. ठीक है, ओपनिंग कितना दिया, 8,000, 9,000 and 12,000. ओपनिंग स्टॉक माइनस करे तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आएगा. ठीक है, तो माइनस करे तो कितना होगा, 62,49 and 82,000. उसके बाद एक नॉर्मली लॉस होता. ठीक है, कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली नॉर्मल लॉस तो होगा, कैसा भी होगा. ओके, नॉर्मल लॉस कैसा भी होता मीन्स फर्स्ट में 4, सेकेंड में 2, सी में कितना है, 6. तो प्रेजेंट जो यूनिट्स आए आफ्टर लॉस के है. ठीक है, तो बिफोर लॉस चेक करना, जैसा फर्स्ट में कितने परसेंट है, 4% लॉस हुआ मींस बाकी 96% की वैल्यू है. ठीक है, तो एक्चुअल में 100% अगर प्रोड्यूस होता तो कितना होता, वो चेक करते हैं यहाँ पर. तो 62,000 / 96% कर दो आता, जैसा 62,000 / 96, ये परसेंट मानना, परसेंट कितना आ रहा, 64,583. तो ओरिजिनल में कितना है, 64,583 ओरिजिनली प्रोड्यूस करे थे बट आफ्टर लॉस के बाद 62 हुआ वो. ऐसे बी में कितना है, 2% लॉस मींस बाकी जो वैल्यू है, ये जो 49,000 है वो 98% की वैल्यू है. तो 100% चेक करो, 49,000 / 98% मानना उसको, करे तो कितना आता, 50,000 आता. सी में देखिए कितना है, 82%, तो यहाँ पर कितना दिया, 6%. ठीक है, तो ये जो 94% की वैल्यू है, तो 82,000 / 94% करे तो कितना आ रहा, 87,233. बस यहाँ तक करना है.
जहाँ परसेंटेज तक दिया, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर फिफ्थ, ओके, डैश इंजीनियरिंग कंपनी, ओके, एक्स वाई जेड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मैन्युफैक्चर टू प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई, एन एस्टिमेटेड ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड कितना करना चाह रहे फर्स्ट सिक्स मंथ में, फर्स्ट सेवन मंथ में ऑफ द 1975 इज गिवन बिलो। तो जितना भी वो लोग एस्टिमेटेड सेल कर रहे वो इस तरह से दे दिए फर्स्ट सेवन मंथ्स का, प्रोडक्ट एक्स अलग करना, प्रोडक्ट वाई अलग करना, ठीक है। तो इस तरह से लिखना फर्स्ट सेवन मंथ प्रोडक्ट एक्स का अलग, ठीक है, प्रोडक्ट एक्स एंड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सेवन मंथ्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा, देखो जनवरी से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। तो सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है। ऐसे ही प्रोडक्ट बी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, सेवन मंथ्स का, ठीक है। कंपटीशन ऑफ प्रोडक्शन बजट, ठीक है। तो ये सेल कितना कर रहे हैं एस्टिमेटेड, ये इन्फॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। तो पहले सेल की इन्फॉर्मेशन लिख लो, पहले क्या लिखते हैं हमेशा, एस्टिमेटेड सेल्स, ओके, देन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद टोटल, ओके, देन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, देन नंबर ऑफ यूनिट, प्रोडक्शन बजट है ना, तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ओके, ठीक है। सेकेंड बेसी, एस्टिमेटेड सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओके, टोटल, ओपनिंग स्टॉक, देन नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, ओके। तो फर्स्ट में कितना दिया, प्रोडक्ट एक्स में कितना है, कितना सेल कह रहे 500, 600, 800, 1000। तो जनवरी में कितना है 500, 600 फरवरी में, देन 800, 800, देन 1000, ठीक है। बैक साइड में टर्न करो, 12, 12 और 1000, 1200 एंड 1200, 1000, ठीक है। वेयर एज वाई का कितना है 1400 एंड दिस वन 1400, 1200, 1000, ठीक है। उसके बाद 8 and 9, 800 एंड 800, देन 900। अब फर्दर इंफॉर्मेशन पढ़ना तो प्रॉब्लम समझ नहीं आता, ठीक है। ये प्रॉब्लम में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया, उसके बदले अपने को क्रिएट करो बोलते, कैसा, देर विल बी नो वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ नहीं है एट द एंड ऑफ एनी मंथ, द फिनिश यूनिट्स मीन्स क्लोजिंग स्टॉक, फिनिश यूनिट्स मीन्स क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू हाफ ऑफ द एंटीसिपेटेड सेल फॉर द नेक्स्ट मंथ, मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रहेगा हाफ ऑफ द एंटीसिपेटेड सेल, मतलब जो सेल है कौन से मंथ का, नेक्स्ट मंथ का सेल का आधा है, ठीक है। तो जनवरी का क्लोजिंग फरवरी के सेल का आधा रहेगा, विल बी इन ए स्टॉक एंड द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने बल्कि वाला इन मीन्स क्लोजिंग, ठीक है, इंक्लूडिंग 70 दिसंबर 74 का भी। तो कैसा लेते इसको, ओके, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट मंथ का हाफ है बल्कि बोले, ठीक है। तो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, फरवरी से आएगा, ठीक है, कितना आएगा हाफ मींस 300। अब फेब का क्लोजिंग स्टॉक कहाँ से आएगा, नेक्स्ट मंथ मार्च से, हाउ मच 400, और मार्च का अप्रैल से आएगा, हाउ मच 500, ठीक है। अप्रैल का मई से, हाउ मच 600, मई का जून से, हाउ मच 600, जून का जुलाई से, हाउ मच 500, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है नेक्स्ट मंथ तो छोड़, ब्लैंक डाल देना उसको। टोटल कितना हो रहा 800, और ये कितना हो गया 1000 हो गया, और ये कितना हो गया 1300 हो गया, और
ये कितना हो गया 1600 एंड दिस वन 1800, उसके बाद 1700, ठीक है। इसको ब्लैंक डाल के चलना सब में, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ये तो थी क्लोजिंग के बाद, ओपनिंग स्टॉक कैसा रहेगा? ओके, तो ओपनिंग स्टॉक कैसा रहता आपने को? हाफ मींस आधा बोल के बोले, ठीक है। और एक चीज रहेंगी, देखो जनवरी का क्लोजिंग स्टॉक फरवरी में आके क्या हो जाता, वो ओपनिंग बन जाता। तो जनवरी का क्लोजिंग फरवरी में ओपनिंग होता, कितना आ रहा हो 300, और फरवरी का क्लोजिंग मार्च में ओपनिंग होता, कितना 400। मार्च का ओपनिंग अप्रैल में, मार्च का क्लोजिंग अप्रैल में ओपनिंग होता, अप्रैल का क्लोजिंग मई में ओपनिंग होता, मई का जून में ओपनिंग होता, ठीक है। ये 500 तो नहीं लेते क्योंकि ये ब्लैंक है, नहीं लेना। जनवरी में कहाँ से आएगा? जनवरी का जो भी स्टॉक है 50% प्रीवियस मंथ मीन्स दिसंबर में डालते। दिसंबर में हाफ कितना आता? 250 होता, कितना होता 250 होता। कहाँ डालते हो? दिसंबर में डालते। दिसंबर में अगर क्लोजिंग स्टॉक 250 है तो दिसंबर का नेक्स्ट मंथ क्या है? जनवरी। जनवरी में कितना क्या हो जाता है? वो ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जनवरी का आधा दिसंबर में डालना, ठीक है, और वो क्लोजिंग स्टॉक जनवरी में आके ओपनिंग बन जाता। अब माइनस करो कितना होता 550, 1000 में से 300 माइनस करो, ओपनिंग माइनस करना है ना, माइनस करो तो कितना 700, और ये कितना 900, ठीक है, ये कितना 1100, और ये 1200, ठीक है 1100, ओके। नेक्स्ट ऐसे सेकंड का, इसका हाफ यहाँ पर हाउ मच 700, ओके। इसका हाफ यहाँ पर कितना 600, नेक्स्ट मंथ का हाफ यहाँ पर कितना 500, फिर इसका हाफ 400, फिर इसका हाफ 400, और इसका हाफ 450। इसको ब्लैंक नहीं लेते, ठीक है। तो टोटल करें 2100, 2000, ओके 1700, 1400, 1200, 1250। ओपनिंग अगर जनवरी में क्लोजिंग है तो फरवरी में क्या हो जाता हो? ओपनिंग। फेब का मार्च में ओपनिंग, मार्च का अप्रैल में ओपनिंग, अप्रैल का मई में ओपनिंग, मई का जून में ओपनिंग, जून का जुलाई में तो नहीं आता, ब्लैंक है। जनवरी में कहाँ से आना ओपनिंग? जो जनवरी का जो अमाउंट है वो दिसंबर में होता 50% क्लोजिंग, किस में आता? दिसंबर। दिसंबर का क्लोजिंग जनवरी में क्या हो जाता? वो ओपनिंग स्टॉक बन जाता। माइनस करे तो कितना आ रहा 1400 नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, क्योंकि ये ओपनिंग को माइनस करते, ठीक है। 2000 ये चले गया, 700 चले गया, तो बचा कितना 1300, ये 6 गया तो 1100, 5 गया तो 900, एंड 4 माइनस करे तो 800, 4 माइनस करे तो 850, ठीक है। अब इसको टोटल कर दो, इसको टोटल करो कितना आ रहा 550 प्लस 700 प्लस 900 प्लस 1100 प्लस 1200 प्लस 1100 5550, ठीक है। एंड दिस वन, अब इसको करो 1400 प्लस 1300 प्लस 1100 प्लस 900 प्लस 800 प्लस 850 6350, कितना आ रहा 6350, ठीक है।
अब इसमें फर्दर इंफॉर्मेशन दिया ये क्वेश्चन में, फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है? ये तो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बनाओ बोल के बोला, यानी कि अगर इतने यूनिट प्रोड्यूस करना है तो कॉस्ट कितना होता, और इसकी इन्फॉर्मेशन भी दिया, नहीं दिया तो नहीं करना, दिया तो करना। द बजट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर आर एस फॉलोज। टोटल कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं ईयर में, एक्स के 11,000, वाई के 12,000, अपन जो कैलकुलेट करें वो ओनली 6 मंथ के हैं। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना है, 12 एंड 19, वेजेस 5 एंड 17, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस टोटल करके दिया 11,000 के ऊपर, तो डिवाइड करके 1 की वैल्यू मालूम करना, ठीक है, और यहाँ पर बेसिस 48,000 डिवाइड बाई 12,000। ओके, ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, ये प्रोडक्शन बजट बनाओ और साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाओ, क्योंकि ये तो प्रोडक्शन बजट बना दिया अपन, इतने यूनिट प्रोड्यूस है उनके, अब प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है अपने को। ओके, देखिए कितने यूनिट्स बनाए अपन मोस्टली, ठीक है, तो कितने यूनिट्स हैं प्रोडक्ट एक में, 5,550 यूनिट्स है 6 मंथ के, और यहाँ पर 6 मंथ के कितने हैं, 6,350 यूनिट्स है, ठीक है। तो इसके लिए प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना अपने को, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, ओके, एक्स में 5,550, 6,350, ओके, ये यूनिट्स है, इसके लिए कितना कॉस्ट हो रहा। ओके, पहले क्या हुआ, डायरेक्ट मटेरियल चार्जेस, डायरेक्ट मटेरियल चार्जेस हाउ मच, एक्स का 12 है, वाई का 19 है, ओके, 12 से मल्टीप्लाई करो, 19 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 5,550, 66,600, and this one 19 × 6,350, 1,20,650, okay. Next, second क्या mention करा, direct wages per unit, direct wages, direct wages how much, x and y, x के direct wages कितने हैं, 5 rupees and 7 rupees, ओके, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 1,255, 5,550 मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा, 27,750, उसको 7 × 6,350, 44,450। नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ओके, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस एक्स का एंड वाई का, ऐसे करो एक्स एंड वाई, टोटल 33,000 जो दिया वो इन्फॉर्मेशन 11,000 के ऊपर है, तो अपने को ईच क्या आ रहा वो मालूम करना पहले, ठीक है, डिवाइड करो तो ईच कितना आता, 3 आता, और y का 48,000 डिवाइड बाय उसके टोटल यूनिट्स कितने हैं साल के, 12,000, ठीक है, x के 33,000 डिवाइड बाय 11,000, y के कितने हैं 48 डिवाइड बाय 12,000 करे तो ये कितना आता, 4 आएगा, ठीक है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से उसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 5,550 कितना आ रहा, 16,650, 4 से उसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 6,350 हाउ मच, 25,400, एनी अदर इंफॉर्मेशन, नो, इसको टोटल कर दो, 25 + 44,450 + 1,20,650, 1,90,500, दिस वन 66,600, 27,750 + 16,650